और कृष्ण बलराम बहुत भूखे हैं, तो उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगे हैं, तो आप लोग देंगे तो बहुत अच्छा होगा आप लोग। तो देखिए ये लोग तो ब्राह्मण है, कहां से पाठ कर रहे हैं, वेदों से पाठ कर रहे हैं, लेकिन तब भी इन लोगों को पता नहीं है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वेद जो है, हालांकि ये वेद हमको भगवान के बारे में बताते हैं, वेदेश सर्वे रहमय पे बद्ध, भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि सारे वेद का एक ही उद्देश्य है, एक ही एम है, वो क्या है, भगवान को बताना, भगवान मैं हूं सर्व वेदेश, मतलब वो बताते हैं कि हम ही वेद से जाने जाते हैं, और ये वेद को कौन कंपाइल किए हैं, कौन बनाए हैं या कौन बोले हैं, वो भी मैं हूं, और वेद से मेरे को भी जाना जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है वेदों में, प्रॉब्लम ये है कि वेद में डिफरेंट डिफरेंट डेमिगॉड्स, डिफरेंट डिफरेंट स्थानों के बारे में इतने अच्छा से बताया गया, कई बार हम लोग उसमें घूम जाते हैं। हम लोगों को जाना रहता है, मान लीजिए ये एयरपोर्ट जाना रहता है, पास में कुछ मॉल आ गया, कुछ खाने का रेस्टोरेंट आ गया, बहुत अच्छा महक आ रहा है, तो हम उसमें हम घुस गए, तो ऐसे टाइप का होता है। तो वेद में जैसे बोला है कि सूर्य भगवान का पूजा करो, सूर्य भगवान का पूजा करने से बहुत अच्छा हेल्थ रहेगा, है ना, लक्ष्मी जी का पूजा करो, बहुत अच्छा ध्यान मिलेगा, फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट पूजा के बारे में, सरस्वती जी का पूजा करो, विद्या प्राप्त होगा, उमा जी का पूजा करो, बहुत अच्छा हस्बैंड प्राप्त होंगे, फिर शिव जी का पूजा करो, पत्नियां प्राप्त होंगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो चीज है, ये हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के आधार को प्राप्त देने में बहुत हेल्प करता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग तो 84 करोड़ जोनियों में घूमते हुए आ रहे हैं, तो हम लोगों को इन लोगों के पीछे बहुत लगाव है। तो जब ही देखते हैं ठीक है भगवान को प्राप्त करना है, कर लेंगे, क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल के नाम में हम लोग थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में इतना वो अंदर चले जाते हैं और बाहर ही नहीं निकल पाते। तो इसीलिए वेद जो है वो भगवान को ऐसे ऐसे ढंग से प्रस्तुत किए कि पता ही नहीं चलता भगवान कौन है। कहीं पर मैं भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के लेक्चर में सुन रहा था, कई तो प्रश्न पूछे थे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के, कि हम लोग जब वृंदावन जाते हैं तो बोला जाता है वृंदावन सारे तीर्थ स्थान से ऊपर है, द्वारका जाते हैं द्वारका को वैसे ही ग्लोरीफाई किया जाता है, फिर आप जाओ नवद्वीप धाम, बोले ये नवद्वीप धाम में सारे धाम है, वृंदावन में भी बोला जाता है सारे धाम इसमें ही छुपे हुए हैं, फिर आप जाए जहां पर भी जाए ऐसे ऐसे बोला जाता है कि ये धाम में सारे धाम क्या है निवास करते हैं, फिर ये तीर्थराज प्रयाग में जाओ सारे तीर्थ यहीं पर आके पूजा करते हैं, तो यहीं पर पूजा करो सारे तीर्थ का हो जाएगा। तो ऐसे जहां पर जाओ उस जगह का ग्लोरिफिकेशन बहुत किया गया है, लेकिन ये नहीं है कि ये बहुत झूठा है, ये ग्लोरिफिकेशन भूलभाल किया गया है या बड़ा क्या किया गया है, ऐसे नहीं। एक्चुअली जो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज है इसका बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि जो मुनि ऋषि होते हैं जो, तो वो जब कुछ तीर्थ के बारे में कुछ ये के बारे में बताते हैं तो उस तीर्थ में इतना समाहित हो जाते हैं कि उसी तीर्थ को वो लोग बोलते हैं ये टॉप मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये टॉप मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ये जैसे हम लोग जाए पुरी में वहां पर वृंदावन भी है, क्या है, वृंदावन भी है, नवद्वीप भी है, तीनों जगह पुरी में है, द्वारका वो तीनों जगह पुरी में है ना। तो ऐसे भक्त पुरुष महाराज बता रहे थे कि मुनि ऋषि लोग जब इसको लिखे हैं तब वो लोग इतने समाहित हो जाते हैं उस जगह के भाव में, तो उसी जगह को वो लोग टॉप मोस्ट करके लिखते हैं ऐसे। तो ऐसे वेद ऐसे हैं, इस देवता को उस देवता को ऐसे ऐसे बड़ा, मतलब ऐसे ऐसे करके ग्लोरीफाई किए हैं, तो हम लोग कृष्ण को भूल जाते हैं। तो ऐसे ही ये इन दोनों का, मतलब ये ब्राह्मण लोग का जो लोग यज्ञ कर रहे थे उन लोगों का अवस्था ऐसे तरीका हुआ, वो लोग समझ ही नहीं पाए कृष्ण आए हैं, जिसके संत यज्ञ मतलब क्या, यज्ञ मतलब विष्णु, जिनके पृथ्वी विधान के लिए हम लोग ये कर रहे हैं वही यहाँ पर आए हैं खाना मांगने के लिए। तो उसको संतुष्ट करना सबसे गुरुत्वपूर्ण है, हम उसी को नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग टुकड़ा दे, बोले नहीं नहीं ये सब बच्चे लोग थोड़ा बकवास कर रहे हैं, थोड़ा चले जाओ अभी हम लोग बहुत व्यस्त हैं, बहुत
बहुत हम लोग ये भगवान के यज्ञ कर रहे हैं, अभी डिस्टर्ब मत करो, ऐसे करके उन लोग को भगा दी। वो लोग आ गया कृष्णा जी के पास, कृष्णा के पास आके क्या बोलती हैं कि कृष्णा देखिए कि ऐसे कोई कुछ नहीं मिला, ये हम लोग को भगा दिया गया। बोले ठीक है, तुम लोग अभी यज्ञ 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 मतलब जो कर रहे थे ब्राह्मण, उन लोग के पत्नी के पास जाओ और जाके ऐसे बोलो कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं, वो लोग बहुत भूख लगा है, खाने के लिए कुछ मांगते हैं। तो बोले वहां पर भी अगर भगा दिया तो बोले नहीं नहीं अभी नहीं भगाया, तुम जाओ अभी। तो यज्ञ पत्नियों के पास गए, यज्ञ पत्नियों के पास जाके सेम चीज को दोहराए। तो इसी चीज को हम लोग भागवतम के जरिए देखेंगे कैसे कैसे होता है, मतलब यज्ञ पत्नियां कैसे, मतलब यज्ञ पत्नियां नहीं सॉरी नाग पत्नियां से यज्ञ पत्नियां हो जाता है, ब्राह्मण पत्नियां, ये ब्राह्मण पत्नियां कैसे कैसे इसके आंसर करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब भी सुनते हैं कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं। ऐसे बताया जा रहा है, हम लोग पढ़ेंगे अभी, खाली वही चीज को पढ़ते हुए जाएंगे, तब भी मैं सार संक्षेप में बता देता हूँ। वो लोग घर में जितने सारे पकवान था उसी को लेके दौड़ भागे। जैसे हम लोग सुनते हैं बंसी बट में हम लोग जाएंगे, कृष्ण जी वहां पर बंसी बजाते हैं रात में कृष्ण बंसी बजाते हैं और जितने सारे गोपियां थी वो लोग छोड़ छाड़ के, कोई अपने पति का, कोई अपने ससुर का सेवा कर रही थी, कोई अपने बच्चे का सेवा कर रहे थे, सब छोड़ छाड़ के आ गए थे। तो ऐसे ही ये मतलब ये ब्राह्मण पत्नियां भी, ये लोग भी मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के कृष्ण बलराम आए हुए हैं तो उन लोगों को खिलाना है करके जितने सारे पकवान थे सब लेके निकल पड़े। किसी के हस्बैंड बोले नहीं नहीं जाना है, अभी 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 बैठे रहो, इधर ही रहना है। तो वो लोग इवेंट बताए जा रहे हैं कि वो लोग वहां पर अपने शरीर को त्याग दी और अपने मतलब स्पिरिचुअल फॉर्म में आ गई, घर के पकवान को लेके कृष्ण को खिलाने के लिए। तो आके कहां पर मिली, यहीं पर, ये इसका नाम है भत्रोल बिहारी, जहां पर कृष्ण बलराम